बीजेपी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। वहीं इसी क्रम में संयुक्त बीजेपी मंडल की बैठक शुरू हुई है। बैठक का उद्घाटन प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। वहीं बीजेपी संगठन ने 7 मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ और कार्यकर्ताओं को साथ बैठक की है। उनको जोड़ने के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। बैठकों में मोर्चों के आगामी पार्टी कार्यक्रमों की रूपरेखा की जानकारी दी गई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर के वोटर्स को जोड़ने के और उनको केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं। हमारे मोर्चे बूथ स्तर तक गठित हैं। आज मोर्चों की हमारी ज्वाइंट मीटिंग है और ये तय किया है कि आगामी दिनों के अंदर मोर्चे के जो कार्यक्रम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से होने वाले हैं उन सब पर स्थान, उनकी तिथियां और कौन कार्यकर्ता किस कार्यक्रम में रहेगा, उसकी किस संख्या तक का वो कार्यक्रम होगा, इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पूरे दिन की बैठक रहने वाली है। युवा मोर्चे के कार्यक्रम है, महिला मोर्चे कार्यक्रम, ओबीसी मोर्चा, जनजाति मोर्चे, कुछ कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। उन कार्यक्रमों का भी एक प्रकार विशेष विश्लेषण हम यहाँ पर करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी में 7 मोर्चे गठित किए गए। आज 7 मोर्चों के प्रदेश के पदाधिकारियों की ये संयुक्त बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है और इस बैठक के माध्यम से आम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुँचे और आम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास, ये बैठक आयोजित की गई है। निश्चित रूप से 2024 को चुनाव को लेकर के एक रणनीतिक बैठक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है।